पिंकज ट्रेलर और हम सांदा कलाम में रहते हैं, एमए कॉलेज, और हम लोग चार बहनें और दो भाइयाँ, सारे बहन भाई हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट 2012 से मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी मुझे वेट लिफ्टिंग में 4 साल हो गए हैं, वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में 4 साल हो गया। मैं खुदावन की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे बहुत ज़्यादा जो ही ये गोल्ड मेडल आया उस तो फिर पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ने ये तैयार कर लिया कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनको भी इस खेल में अपने जौहर दिखाने का मौका मिले और उन्हें इस गेम में लाया जाए। मेरा नाम साइबल सुहेल खोखर है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से BS स्पोर्ट्स साइंसेज ऑनर्स कर रही। मसल की एजिलिटी, रनिंग, स्प्रिंटिंग, फ्रॉग जंपिंग। पिंकल है टेक्निक वाइज द बेस्ट एवर वेट लिफ्टर जो मैंने कभी देखी है। एज ए स्पोर्ट्स वुमेन डील करते हैं उसको, ना कि इसका रिलीजन देखते हैं ना कभी, वो बड़ा एहतराम करते हैं हम उनका। क्रिसमस के मौके पर उसको छुट्टी चाहिए होती है, गुड फ्राइडे होता है इनका, ईस्टर होता है, तो हमें इनकी वजह से पता लग जाता है कि ईस्टर जो है वो अप्रैल में है और गुड फ्राइडे फलां दिन है और फलां दिन है, तो हम कहते हैं फिर हमें मिठाई स्टाइक भी खिलाओ जी। बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और इवन के मुझे बताती है जब मैं कुछ गलत करूं, रोकती है वो हमें, इवन के वो हमें बता रही होती है कि आप ये करो ये नहीं करो। जब मैं कंपटीशन में खड़ी थी और मेरा अनाउंस हुआ कि ट्विंकल सुहेल गोल्ड मेडल मतलब मुझे मिला है, तो जब ऊपर आके खड़े हुए हम लोग तो मेरा पाकिस्तानी एंथम हुआ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं। उस टाइम पे इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि जैसे पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या चीज़ मतलब दे दी है। लोग इंजॉय भी खूब करते हैं, अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं, सबके साथ होते हैं, ट्रेनिंग हमारी होती है, मैक्सिमम ट्रेनिंग होती है, तब हमारा हंसी मजाक कुछ नहीं चलता, हम सीरियस अपनी ट्रेनिंग करते हैं और बाकी लड़कियों के फील्ड वेट लिफ्टिंग में तो आना चाहिए।
को बाहर आना चाहिए, हर एक्टिविटी करनी चाहिए और इसमें हर एक्टिविटी में एंजॉयमेंट होता है। पता नहीं क्यों नहीं आने देते यार। मैं तो भेज के ले आऊं। आ जाओ यार। हम लोगों ने उस उन डेज में ट्रेनिंग की जिन डेज में सब प्लेयर ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। इस तरह के दिन होते हैं कि खून पसीना एक हुआ होता है। मोस्टली और ट्रेनिंग नहीं करते प्लेयर, लेकिन फिर भी सर ने हमें ट्रेनिंग करवाई क्योंकि हमारा गोल जो था वो इंटरनेशनल लेवल का था। और जब से इन बच्चों ने मेडल लिए हैं तब से क्रिश्चियन कम्युनिटी तो क्या अदर्स मुस्लिम लड़कियां अब क्लब में आ रही है, फेडरेशन में आ Thank you.